है लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू, तेज प्रताप यादव की पत्नी, चंद्रिका राय की बेटी और पूर्व दारोगा प्रसाद राय जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पोती हैं। और उनके दुख पर फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव सामने आए और दुखों पर फूट फूट कर रोए तो फैंस भड़क गए। तमाम फैंस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सभी ने अपने अपने राय रखे हैं। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के फैन बहुत ही ज़्यादा हैं और सब ने लालू प्रसाद यादव पर अपना कटाक्ष किया है, अपनी भड़ास निकाली है। हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय जो है वो लंबे अरसे से जूझ रही हैं इस केस में और काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रही हैं, क्योंकि ससुराल में उन्हें जगह नहीं मिली, निकाल दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक रोती रहीं, तड़पती रहीं, रोती हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसे देख कर खेसारी लाल यादव का दिल दहल गया और वो भी फूट फूट कर रोने लगे। ज़रा देखिए ऐश्वर्या की वो तस्वीरें जब खेसारी लाल यादव का दिल बैठ गया देख कर इन तस्वीरों को। यही है फूट फूट कर रोती ऐश्वर्या की वो तस्वीर, देखिए। मेरे नींब पे और मेरा बाल खींच रही है। अच्छा, अकेले थी वो? कौन कौन था वहाँ पे? सर दो मिनट, हम लोगों को भी फाइल करना है, दो मिनट रुक जाए। हम ही कर देंगे। अच्छा सुनिए, बता हमको दीजिए ना। कभी भी वो अलग देखिएगा ना, अलग देखिएगा ना। मैं चाह रहे हूँ साइड हो जाओ। हाँ ये इधर है, इधर को बुलाइए। कुर्सी लाइए ना एक और, सत्येंद्र जी तो इधर आ गया। अच्छा थोड़ा सा साइड हो जाइए ना, मुझे पूछने दीजिए बच्चों। ठीक है ठीक है, प्लीज मुझे पूछने दीजिए। स्लीपर दे दीजिए ना, पैर में ठंडी नहीं। नहीं वो उन्होंने उतार दिया है, छीन ली है वो। अब ऊपर रहते हैं अकेले रूम। ए आईडी के बोलिए बोलिए बाबू। आज हम न्यूज देख रहे थे, शाम में न्यूज देख रहे थे, तो तेज प्रताप ने कहीं पटना यूनिवर्सिटी में मेरे फादर के खिलाफ और मेरे खिलाफ पोस्टर छपवाया है। अर्ज की हम ऊपर से आए उनसे बोलने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे से है, मेरे से लड़िए, मेरे फादर को मत इन्वॉल्व कीजिए। उसी में उसके दरवाज़ा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट घसीट के मारी है। उसके बाद जितना इनका सिक्योरिटी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है उठा के बाहर फेंका गया है और जो उस फोन में एविडेंस था वो फोन छीन लिए है। हाँ पहले का एविडेंस था। देखा आपने ऐश्वर्या जब रोई तो ये वीडियो चारों तरफ वायरल हो गया। तमाम लोग जान गए कि लालू प्रसाद यादव की बहू चंद्रिका राय की बेटी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है उनकी सास ने और उन्हें बाहर का रास्ता निकाल दिया है। बाहर का रास्ता दिखाने के बाद खेसारी लाल यादव भी काफी दुखी हो गए। उनके तमाम फैंस ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और सबने अपनी अपनी बातें कही है। गणपति कहते हैं वेरी गुड, मतलब सहानुभूति होना चाहिए। इसके अलावा ब्रज किशोर कहते हैं कि खेसारी लाल ईमानदार आदमी है, लालू परिवार के बिहार को लूटा है, खेसारी लाल यादव का सब हेल्प करते हैं, खेसारी लाल यादव को सचमुच में सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। ब्रज किशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं पर अमोद राय कहते हैं कि वेरी वेरी गुड भाई, मेरा खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। इन्होंने खेसारी लाल यादव को कहा कि कम से कम ऐश्वर्या के साथ कोई तो खड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और अपनी बातें कहते हैं, लेकिन इस तरीके से खुलकर कोई नहीं कहता। काजू राज के नाम से इनकी आईडी बनी हुई, ये कहते हैं सही बोले हैं भाई। इसके अलावा लगातार खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। एमडी असलम खान कहते हैं कि इनकी खबर बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड तेज प्रताप जी अपना लीजिए, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, अपनी ही पत्नी को अपने परिवार को इंसाफ दिलाइए, नया साल उनके लिए खुशियों का माहौल भर दीजिए, आपके फ्रेंड आपकी बीवी के लिए सब परेशान हैं, अब उनको अपना लीजिए। इस तरीके से इन्होंने कहा है कि खुशी आ जाएगी घर में। और बहुत बहुत शुक्रिया एमडी असलम खान जी, इन्होंने रिक्वेस्ट की है तेज प्रताप से, जो कि ऐश्वर्या के पति हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें अपना लीजिए। वहीं पर मिथिलेश कुमार कहते हैं ज़्यादा तेज मत बनो, खेसारी गाने फिल्म में ही अच्छे लगते हैं और बहू लकड़ी उठाकर मारेगी तो क्या होगा। ऐश्वर्या को लेकर यह अफवाह फैलाई गई थी कि उसने चैली से मारने की कोशिश की थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, ऐसा मिथिलेश जी का कहना है और वो कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। खैर, ये अपनी अपनी सबकी सोच है और उस हिसाब से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नवीन कुमार यादव कहते हैं राजकिशोर यादव जी का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने यादव समाज से नहीं होना चाहिए बहू के साथ, यादव समाज में बहू के साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओंकार नाथ ओझा कहते हैं बहुत सुंदर, दहेज के खिलाफ होना चाहिए इंसान को। संदीप यादू राव कहते हैं कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को गाली गलौज तक ठीक था, पर चैला से मारेगी तो उसके अंग रक्षक देखते रहेंगे, सवाल उठाया है संदीप राय ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। अंग रक्षक का कर्तव्य होता है रक्षा करना, फिर चाहे कोई भी आए, वो चाहे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। बिल्कुल, अंग रक्षक के तरफ से बोलते हुए संदीप यादव ने ये कहा है कि भैया अंग रक्षक तो रक्षा करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की राबड़ी देवी, अगर ऐश्वर्या ने ऐसा किया है तो उनके अंग रक्षकों ने अगर कुछ गलती कर दी तो फिर क्या हो गया, अगर बदतमीजी की ऐश्वर्या के साथ तो अंग रक्षकों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, ऐसा कहा है। लेकिन ऐश्वर्या को लेकर जो और लोगों की राय है वो ये है कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए पुरुषों को। एसके के चंदन के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है और इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव का चुनाव का नशा सवार है माथा पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेसारी लाल यादव ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है और वो हमेशा लोगों का ख्याल रखते हैं। तो खेसारी लाल यादव को लेकर जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उस पर आप तमाम लोग सोचें, समझें, विचार करें और फिर अपनी राय रखें। अब खेसारी लाल यादव जिस तरीके से फूट फूट कर रो रहे थे ऐश्वर्या के दुखों पर, ऐश्वर्या के तमाम जितने भी फैंस हैं वो भी सामने आ गए और खेसारी लाल यादव के फैंस कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी काफ़ी गुस्सा हो गए और उन सब ने अपनी अपनी भड़ास निकाली। आप तमाम दर्शकों से हमारा आग्रह है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से ऐश्वर्या राय के समर्थन में आए हैं, आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं, खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि ऐश्वर्या को उनका जो हक है जो खो गया है वो मिल जाए, क्या आप भी चाहते हैं कि ऐश्वर्या का घर बस जाए। माँ पूर्णिमा राय का रो रो कर बुरा हाल है, ऐश्वर्या की माँ है पूर्णिमा राय, सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिस माँ की बेटी के साथ ऐसा हो गया। खेसारी लाल यादव हमेशा दुखी और जो लोग परेशान रहते हैं उनके दुख में कूद जाते हैं और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव कूदे तो फैंस ने अपना फैसला सुनाया कि खेसारी भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसी भी औरत की अस्मत बचानी चाहिए, किसी भी औरत के लिए खड़ा होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के मामले में कुछ हो पाता है क्या, कोई सुलह की गुंजाइश बनती है। हालांकि अब अभी अभी ये खबर मिल रही है कि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप मामले में अब एक और केस दर्ज करवाया गया है, चंद्रिका राय जो कि ऐश्वर्या के पिता हैं और तेज प्रताप के ससुर, गहने चोरी होने का ये आरोप लगा है और ये गहने किसने चुराए हैं अब तक किसी को नहीं पता है, अब इस पर जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर
करोड़ों के गहने गए तो गए कहां? इस पर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।